देख भाई, पिछली क्लास में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मतलब क्या होता था कि सिंपल सी बात है, हम जो कैपिटल दे रहे हैं उसमें इंटरेस्ट पे करेगा हमें कौन, बिजनेस, है ना। तो जैसे कि हमारे तीन पार्टनर थे ए बी और सी, ठीक है, उनके बीच में कोई भी पार्टनरशिप डीड नहीं है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना हमेशा, पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है, क्यों पार्टनरशिप डीड है कि नहीं है, क्योंकि जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होती कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करी जाती, ठीक है। ए ने बोला है कि भाई मैंने 1 लाख रुपये कैपिटल लगाई है, बी ने लगाई है 50,000 और सी ने लगाई है 20,000। तो ए बोलता है मैंने सबसे ज़्यादा कैपिटल लगाई है, मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे होना चाहिए, क्या इसको पे होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, पार्टनरशिप डीड है ही नहीं, ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड है, अगर पार्टनरशिप डीड है तो उसमें लिखा होगा कितने परसेंट से पे, हमने बोल दिया 10% पर एनम से पे करेंगे हम किससे पे करेंगे 10% पर एनम। तो मैंने निकालने का तरीका सिखाया था कि भाई आपकी 1 लाख कैपिटल है, तो 1 लाख में आपने क्या कर दिया, 10% कर दिया, तो आपका क्या निकल के आ गया, 10,000 आपके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, ठीक है। कल हमने थोड़े बहुत तरीके सीखे थे, उस थोड़े बहुत तरीके में क्या था भाई, पूरा का पूरा हमें डायग्राम बना के रखा था कि भाई तीन पार्टनर है, इसकी शुरू में तो कैपिटल 1 लाख थी, इसकी शुरू में कैपिटल 1 लाख थी, पर इसने 1 अक्टूबर को क्या करा, 1 अक्टूबर को इसने 1 लाख रुपये और निकाल दी, ठीक है। फिर इसने क्या करा था भाई, 50,000 रुपये निकाल लिए। फिर ये 50,000 रुपये हमें पता होना चाहिए था कि क्या है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट है या ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि अगर ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होता तो ये जो 50,000 रुपये हमने 1 जनवरी को निकाले हैं, तो 1 जनवरी को बोलते हैं हम उधार है, और कैपिटल से कटते कब, 31 मार्च को, ठीक है। तो ये 50,000 कोई भी इफेक्ट नहीं डालते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में, ठीक है। और अगर ये ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल होते तो ये जो 50,000 रुपये है वो उसी दिन डिडक्ट हो जाते, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 1 लाख 6 महीने चले, फिर 1 लाख और डाल दिए तो 2 लाख हो गए, तो 2 लाख कितने महीने चले, 3 महीने, फिर 50,000 हमारे क्या हो गए डिडक्ट, कितने बचे, 1.5 लाख, फिर बाकी 1.5 लाख कितने चले, 3 महीने। फिर ऐसे निकालते हैं हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये सिखाया था पिछली क्लास में। अब एक कॉन्सेप्ट रह गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए, देख हम क्या सीख रहे हैं, कैपिटल, हम क्या सीख रहे हैं, कैपिटल में इंटरेस्ट देना, ठीक है। तो कैपिटल का सिर्फ एक टॉपिक रह गया कि भाई कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट बनाना ही सीखना है, ये तो सिंपल सा था, कल ही पढ़ा दिया था, मतलब पिछली क्लास में ही पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, तुम सबको पता है पहले से ही कि भाई कैपिटल का मतलब क्या होता है, जो भी पैसा ओनर बिजनेस में लगाता है, तो पार्टनर भी कैपिटल लगाते होंगे बिजनेस में, ठीक है। तो पार्टनर में ना पार्टनरशिप में एक नया कॉन्सेप्ट आया, जो कैपिटल अकाउंट होते हैं ना वो मेंटेन करने के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड और फिक्स कैपिटल मेथड, ये पार्टनरशिप में 2 तरीके आए। कभी कभी पार्टनर पता है क्या कहते हैं, पार्टनर बोलते हैं कि भाई हमारा तो 1 लाख 1 लाख सबने कैपिटल लगाई है, ठीक है। सब बोलते हैं कि भाई ये लॉस का बिजनेस है थोड़ा, ठीक है। आजकल कोरोना के टाइम पे सबका लॉस ही हो रहा है, किसी बिजनेस का प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो लॉस का बिजनेस हो रहा है। ऐसे मान लो हमने 1 लाख रुपये कैपिटल लगाई है, सबने कितनी लाख रुपये लगाई है, 1 लाख रुपये कैपिटल लगाई, अब लॉस हुआ, ठीक है, कोरोना से लॉस हुआ, तो फिर क्या करा भाई, 50,000 डिडक्ट हो गए पहले साल में, अभी भी कोरोना चल ही रहा है, ठीक है, तो 50,000 और डिडक्ट हो गए, तो सबकी कैपिटल कितनी बची, 0, ठीक है। तो पार्टनर ने यही कहा, पार्टनर ने बोला कि भाई ऐसी लॉस होते रहे तो हमारी कैपिटल तो नेगेटिव में चली जाएगी, हमारी कैपिटल तो भाई नीचे नीचे जाती रहेगी, खत्म ही हो जाएगी, फिर हमें और पैसा डालना पड़ेगा, और पैसा है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल मेथड तभी आया। फिक्स कैपिटल मेथड ये कहता है कि भाई चिंता मत करो, चाहे कितना भी लॉस हो चाहे कितना भी प्रॉफिट हो, तुम्हारी 1 लाख कैपिटल है ना, तुम 10 साल बाद भी देखोगे ना, 10 साल बाद आफ्टर 10 ईयर्स देखोगे तो ये कैपिटल कितनी रहेगी, 1 लाख, ठीक है। नाम में ही तेजी है, देखो फिक्स कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स। और फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब होता है, फ्लक्चुएटिंग का मतलब है जो आज तक आप पढ़ते हुए आ रहे हो, कि भाई कैपिटल आपने देखा होगा कि भाई पिछली बैलेंस शीट में थी 1 लाख, फिर अगली बैलेंस शीट में 1 लाख थी, पर उसमें या प्रॉफिट हुआ तो प्लस, लॉस हुआ तो माइनस, यही था ना, ठीक है। तो भाई फ्लक्चुएटिंग कैपिटल तो आज तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना वही है, ठीक है। और फिक्स कैपिटल मेथड क्या है, जो हम नया सीखने वाले हैं पार्टनरशिप में, इसमें क्या होता है भाई, चाहे हमारा 1 लाख कैपिटल है ना, चाहे 1 करोड़ का भी लॉस हो जाए, पर कैपिटल कितनी रहेगी, 1 लाख, कैपिटल कितनी रहेगी, 1 लाख। इसका मतलब है कैपिटल रहेगी हमेशा फिक्स, कैपिटल रहेगी हमेशा फिक्स। और फ्लक्चुएटिंग में क्या है भाई, जो आज तक पढ़ते हुए आ रहे हैं
कैपिटल चेंज होती रहती है, अगर कोई भी प्रॉफिट हुआ ऐड, कोई भी लॉस हुआ माइनस, कोई भी हमने ड्रॉइंग्स करी तो माइनस, ठीक है। तो ये सब चीजें, ये सब किस में आती है, फ्लक्चुएटिंग में। कोई भी, देखो मैंने आपको बताया था, मैंने पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट पढ़ाया था, तो उसमें बताया था कोई भी पार्टनर को सैलरी मिलती है तो उनके कैपिटल अकाउंट में जाती है, ठीक है। तो मान लो 1 लाख हमारी कैपिटल, इसको 10,000 और सैलरी मिली, ठीक है, तो 10,000 सैलरी जाएगी तो 1,10,000 और जाना चाहिए। बट हमने क्या बोला है कि भाई तुम्हारी कैपिटल क्या है, फिक्स, तो ये 1 लाख से चेंज नहीं होगी, चाहे तुम्हारे कैपिटल में और पैसा आ रहा हो या तुम्हारी कैपिटल जा रहा हो, 1 लाख ही दिखेगा, चाहे 10 साल बाद देखो, 20 साल बाद देखो। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अभी बताऊंगा, ठीक है। अभी इसका मतलब क्या समझते हुए चलो कि भाई हमारी कैपिटल क्या रहने वाली है, फिक्स, हमारी कैपिटल क्या रहने वाली है, फिक्स। और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का मेथड है भाई, कैपिटल हमारी ऊपर नीचे होती रहेगी, अगर भाई लॉस हुआ तो माइनस होगी, अगर पैसे हमें देने होंगे तो प्लस होगी, और अगर पैसे, मतलब अगर मान लो 1 लाख रुपये हमारी कैपिटल, हमें इसे 10,000 सैलरी देनी है तो प्लस, इसने क्या कर लिया 20,000 रुपये निकाल लिए तो माइनस, लॉस हो गया 30,000 का तो माइनस, ठीक है, अगले साल प्रॉफिट हो गया 10,000 का तो प्लस, ठीक है। मतलब इसी में चीजें प्लस माइनस होती रहेगी, कैपिटल हमारी कैसे मूव करेगी, देखो ऐसे कभी ज़्यादा हो जाएगी, कभी कम हो जाएगी, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी, ठीक है। बट इसमें क्या है, इसमें एक फिक्स लाइन में मूव करेगी भाई, कभी चेंज नहीं होगी। इकोनॉमिक्स तो बढ़िया, तुमने इकोनॉमिक्स में ग्राफ बनाए होंगे ना, तो इसमें वैसी है कि भाई कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी जीरो भी हो जा रही है, कभी यहाँ पे भी करा है, कभी कभी नेगेटिव में भी चले जाते हैं, तो हम ये नीचे भी कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, हमेशा कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स। कब बढ़ेगी घटेगी, एक दो कंडीशन है जिसमें बढ़ेगी घटेगी, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। देखो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में अगर कोई भी हमारे कैपिटल में चीज़ जा रही हो तो बढ़ा देगी, कोई भी कैपिटल में चीज़ घट रही हो तो घटा देगी कैपिटल। बट फिक्स में क्या है, फिक्स में खाली दो चीज़ें अफेक्ट कर सकती है फिक्स कैपिटल को। एक बात बताओ, तुम्हारी 1 लाख कैपिटल है, तुम्हारा मन करा कि भाई 50,000 और डाल दूँ कैपिटल, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है कैपिटल तो बढ़ी जाएगी। 50,000 हमने और कैपिटल डाल ली तो 1.5 लाख दिखाओगे ना। अगर अभी भी हमने 1 लाख दिखाया तो ये क्या शो करेगा कि आपने बिजनेस में क्या लगा रखा है, 1 लाख, ठीक है। पर 50,000 और डाल दिया, आप बोलोगे भाई मैंने 50,000 और इन्वेस्ट करा था, वो 50,000 कहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, वो तो बताओ कहाँ दिख रहे हैं। तो जब भी हम कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं, जब भी हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो फिक्स कैपिटल बढ़ जाती है, जब भी हम एडिशनल कैपिटल लगाते हैं तो फिक्स कैपिटल बढ़ जाती है। यही दो चीज़ें इफेक्ट करेगी। दूसरी चीज़ क्या है, कभी भी हम कैपिटल निकाल लेते हैं, कैपिटल विड्रॉन, जब भी हम कैपिटल क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, इन दो चीज़ों से घटेगी और बढ़ेगी। मान लो अब 1.5 लाख हो गई तो कैपिटल क्या हो गई, बढ़ गई, और अब क्या हो गया, हमने 1 लाख रुपये निकाल लिया तो कैपिटल क्या हो गई, घट गई 50,000, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, देखो इस साइड आए फ्लक्चुएटिंग का क्या मतलब है, घटना बढ़ना क्या होता है, साथ में घटना बढ़ना क्या होता है, साथ में अगर कोई चीज़ आ रही है कैपिटल में तो बढ़ा देगी, और कोई चीज़ निकल रही है कैपिटल से वो घटा देगी। तो इसमें तो हम देखते ही नहीं है, जो चीज़ बढ़ा रही है उसे बढ़ाओ, जो चीज़ घटा रही है उसे घटाओ। बट फिक्स कैपिटल में हम क्या बोलते हैं भाई, चीज़ें रहेगी फिक्स, पर कब तक, इन दो, जब तक ये दो चीज़ें ना हो, या तो आप और पैसा ना डाल दो बिजनेस में एडिशनल कैपिटल, या आप कैपिटल निकाल ना लो बिजनेस से, इन दो कंडीशन में फिक्स कैपिटल खाली चेंज होगी। और एक नंबर का एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द कंडीशन व्हेन फिक्स कैपिटल इज डिक्रीज और इंक्रीज, क्या आता है, या तो आप एडिशनल कैपिटल लगा दो, और या तो आप क्या कर दो, कैपिटल विड्रॉ कर लो, कैपिटल क्या कर लो, कम कर लो। यही दो कंडीशन होती है, इन दो कंडीशन के अलावा कुछ और नहीं होता, ठीक है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, एडिशनल कैपिटल आप डाल रहे हो, और ठीक है, एडिशनल कैपिटल का मतलब क्या होता है, आपका मन करा भाई बिजनेस अच्छा चल रहा है तो मैंने पैसे निकाले और क्या कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। और दूसरा क्या है, कैपिटल विड्रॉ, हमें घर पे जरूरत है, और कैपिटल विड्रॉ का दूसरा नाम क्या होता है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ठीक है। ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल कर ली, या कैपिटल विड्रॉ, वैसे कैपिटल विड्रॉ नहीं है, ठीक है। अगर ये दो चीजें हो गई ना, तो तभी हमारी फिक्स कैपिटल घटेगी बढ़ेगी। पर अगर फ्लक्चुएटिंग की बात करें, फ्लक्चुएटिंग में हम अगर सैलरी दे रहे हैं तब भी बढ़ जाएगी, कमीशन दे रहे हैं तब भी बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं बढ़ जाएगी, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये दो मेथड होते हैं फ्लक्चुएटिंग और फिक्स के। अब जो फ्लक्चुएटिंग होता है ना, देखो बचपन से हमें पता है कि भाई हम अकाउंट बनाते हैं तो इसमें ना एक ही अकाउंट बनता है, इसमें क्या होते हैं, एक अकाउंट बनता है जिसको हम कहते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, हाँ, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट होता है ना, पक्का, हाँ,
कैपिटल का माइनस क्या होता है क्रेडिट, ठीक है। अगर कोई भी चीज बढ़ेगी तो क्रेडिट करना पड़ेगा, कोई भी चीज घटाएगी तो क्या करना पड़ेगा डेबिट। तो इसमें बनता है एक ही अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अभी बना के दिखाऊंगा पूरा का पूरा। पर जो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है ना, इसमें क्या हो गया, अगर हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो एक ही अकाउंट में 1,00,000 लिखेंगे, फिर कोई चीज आएगी तो उसी अकाउंट में लिखना पड़ेगा, तो फिर कैपिटल को ना चाहते हुए बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई ये चीजों को ना अलग अलग मेंटेन करो, एक बना दो तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक बना दो तुम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक बना दो पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये जो करंट अकाउंट है ना, इसमें जो भी चीजें घटाने और बढ़ाने वाली है, जैसे कोई भी सैलरी हो गई, कोई भी कमीशन हो गई, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गई, कोई भी हम क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज कर रहे हैं, कोई भी आ गया ना, वो हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में डालेंगे, कैपिटल में नहीं डालेंगे। पता है क्यों? अगर हमने कैपिटल में डाल दिया ना वो चीज, तो वो चीज बढ़ा देगी कैपिटल को, और अगर कम करने वाली होगी तो कम कर देगी। पर क्या फिक्स कैपिटल में हमें ऐसा करवाना है? नहीं, फिक्स कैपिटल में चीजें क्या रहनी चाहिए, फिक्स, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या करा, दूसरा अकाउंट बना दिया जिसको कहते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्या पेपर में आता है? बिल्कुल आता है पेपर में। आपको पता है कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए दे देता है कि भाई, आपको बोलता है कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ और साथ में उसमें बनाओ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट पार्टनर कैपिटल किस मेथड से बनाओ? फिक्स कैपिटल मेथड, ठीक है। तो फिक्स कैपिटल मेथड में आपको कितना अकाउंट बनाने पड़ेंगे? 2। और अगर फ्लक्चुएटिंग बोला हो तो कितने बनाने पड़ेंगे? 1। ये फटाफट नोट कर, मैं बताता हूँ कैसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। देख भाई, अब इसमें क्या करते हैं, मैंने इसमें बोला खाली एक अकाउंट बनेगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट और इसमें 2 अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो इसमें पहले ये सीखते हैं फिर वो सीखेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सबके अकाउंट ना, चाहे 4 पार्टनर हो चाहे 10 पार्टनर हो, एक ही साथ बनते हैं, ठीक है। अलग अलग बनाने हो तो वो अलग अलग ना, जो बड़े बड़े 50-50 पार्टनर हो जाते हैं ना, जब ज्यादा हो जाते हैं, अपना क्वेश्चन कितना आएगा, ज्यादा से ज्यादा 4 पार्टनर, 3 पार्टनर, तो उसमें एक में बना सकते हैं, अपने में ज्यादा टेंशन नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम लेके चल रहे हैं 2 पार्टनर का। तो भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट ऊपर लिखते हैं, यहाँ डालते हैं क्रेडिट, यहाँ डालते हैं डेबिट, ठीक है। जितने पार्टनर है उतने डब्बे बनाते हैं, ठीक है। मान लो 2 पार्टनर है तो ए का ये हो गया, बी का ये डेबिट साइड, ए का ये, बी का ये, ठीक है। पर्टिकुलर्स, डेट, देखो डेट डली हुई है, डेट नहीं डली हुई है, पार्टनर्स का इसमें डेट नहीं डली हुई, तो डेट का कॉलम हटा दो, खाली पर्टिकुलर्स का कॉलम हटा दो। ये सिंपल सी बात है, हमने क्या करा, 2 पार्टनर थे तो पर्टिकुलर्स ए पार्टनर बी पार्टनर, पर्टिकुलर्स ए पार्टनर बी पार्टनर, ठीक है। ये सिंपल लेजर की तरह जैसे हमें करना था, हमें एक चीज पता है कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट, ठीक है। कैपिटल के बैलेंस क्या होते हैं, क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज जो कैपिटल को बढ़ा रही हो किस साइड आएगी, क्रेडिट साइड आएगी। जो भी चीज कैपिटल को बढ़ा रही हो किस साइड आएगी, क्रेडिट, और जो भी चीज कैपिटल को घटा रही हो किस साइड आएगी, डेबिट साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया रहता है, बैलेंस दिया रहता है कि इतनी कैपिटल पहले से पड़ी हुई है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, जितनी भी इनकी कैपिटल होगी 1,00,000 2,00,000 जितनी भी होगी, दोनों की यहाँ लिख देंगे, क्वेश्चन में हमेशा की गन होगी, ठीक है। यहाँ लिखा, फिर ऐसी चीजें बता जो कैपिटल को बढ़ाती है, जैसे मान लो किसी भी पार्टनर को सैलरी मिल रही है, ठीक है। तो सैलरी हम, मैंने बोला था कभी भी कैश में नहीं जाती, क्या करते हैं कैपिटल में लिखते हैं। और हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, फ्लक्चुएटिंग, हमें नहीं देखना कि कैपिटल बढ़ रही हो घट रही हो, कोई टेंशन नहीं, चुपचाप क्या करो इसी में पुट करना चाहिए। तो मान लो कोई भी सैलरी, ठीक है, उस सैलरी कहाँ से आई होगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन से आई होगी, ठीक है। बट हम पूरा नाम लिख देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे मान लो सैलरी भी पीएनएल अप्रोप्रिएशन से आनी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएनएल अप्रोप्रिएशन लिखते रहेंगे तो पता ही नहीं चलेगा ना। तो यहाँ पे क्या लिखो, बाय सैलरी लिख देना, ठीक है। ए को भी जानी है मान लो, बी को भी जानी है, दोनों की साइड लिख दी। और मान लो खाली ए को जानी हो तो ए की साइड लिखो, बी की साइड कुछ मत लिखो, ठीक है।
और मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दिया। कभी कभी क्या होता है यहाँ पे पूरा नहीं आता क्योंकि अकाउंट बनता है बड़ा, बट क्या होता है जब तुम्हारा वो शीट होती है ना पूरी बड़ी शीट होती है तो उसमें पूरा आता है, तो उसमें हमेशा पूरा लिखा। ठीक है, मान लो ए को नहीं मिलना खाली बी को मिलना है, ठीक है, तो बी को कर दिया। और मान लो हमारा क्या है साथ में क्या था कमीशन, ठीक है, कमीशन दोनों को मिल गया तो दोनों की साइड आ गई। और क्या था पी एन एल एप्रोप्रिएशन वाली चीजें बता, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो पार्टनर से लेते थे ना, तो वो क्या करेगी चीज कम करेगी, कैपिटल कम करेगी, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। और कौन सी चीजें होती है भाई, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तुम इंटरेस्ट से उसकी जो ड्रॉइंग्स करी है उससे इंटरेस्ट ले रहे हो, तो उसने एक्चुअल में भी तो ड्रॉइंग्स करी होगी, कैपिटल ड्रॉइंग से कैपिटल कम होती है ना, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे टू ड्रॉइंग, जो उसने असली में ड्रॉइंग्स करी होगी, ठीक है, उससे भी कैपिटल क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, इससे भी कैपिटल क्या हो जाएगी कम। अब मान लो उसने ड्रॉइंग्स करी है तो क्या पता उसने और पैसा डाला भी हो, जिसे कहते हैं एडिशनल कैपिटल, एडिशनल कैपिटल से क्या होगी कैपिटल बढ़ेगी, तो बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड, तो भाई जो बढ़ाएगी कैपिटल उसे क्या लिखो क्रेडिट साइड बाय एडिशनल कैपिटल, ठीक है, या फिर बाय एडिशनल कैपिटल की जगह यहाँ पे होता है लिख दो बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में डालता है ना पैसे, ठीक है, बाय बैंक लिख दो, कैश लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। तो ये कुछ चीजें थी, अगर कुछ बाद में ध्यान आएगी, जो चीज बढ़ा रही है उसे क्रेडिट साइड और जो चीज घटा रही है उसे डेबिट साइड। फिर हम क्या करते हैं टोटल करते हैं, हम क्या करते हैं टोटल करते हैं। अभी अभी बताता हूँ इसमें क्या होता है ना, ज्यादातर 99% केस में क्रेडिट साइड का टोटल बढ़ा होता है, ठीक है, तो क्रेडिट साइड का दोनों साइड का टोटल करो, दोनों साइड लिखो, ये तो बचपन से करते हुए आ रहे हैं हम, ठीक है। और फिर क्या कर दो टू बैलेंस सी, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा बैलेंसिंग फिगर, ये क्या करते हैं यहाँ पे जितना भी आ जाएगा वो हमारा कैपिटल का बैलेंस निकलते हुए आ रहे हैं, बराबर बराबर बांटेंगे मतलब जो निकालेंगे बैलेंस ये हाँ। नहीं नहीं जैसे मान ली ये था 1 लाख, ठीक है, इसकी कैपिटल थी 2 लाख, ठीक है, इसको सैलरी मिली 10,000, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000 मिला, ठीक है, कमीशन मिली दोनों को 5,000, ठीक है, और एडिशनल कैपिटल से उन्होंने पैसा डाले 10,000 20,000, ठीक है, 1 लाख प्लस 10,000 एक पंद्रह और दस एक पच्चीस, तो यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा 1,25,000, ठीक है। इस साइड का टोटल का 2,20,000 2,40,000 और 2,45,000 2,45,000 दोनों साइड का टोटल आ गया, ए का टोटल क्या 1,25,000 तो 1,25,000 यहाँ भी लिखा, ये क्या है 2,45,000 तो 2,45,000 यहाँ भी लिखा, ठीक है। हम मान के चलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दोनों ने दिए 10,000 10,000, ये करिए इन्होंने 50,000 की ड्रॉइंग्स और इसमें 50,000 की ड्रॉइंग्स करिए, ठीक है। आप देख 1,25,000 में से 10 गया और 50 गया, 60 हो गया, तो कितना बचा 65 बचा, ठीक है, तो इसका तो इसकी कैपिटल कितनी बच गई 65,000, और इसका देख 50 और 10 60, इसमें से 60 गया तो 45 और 15 1,85,000, इसकी कैपिटल कितनी बची 1,85,000। तो देख पहले कैपिटल थी 1 लाख, इसकी हो गई 65,000, तो मतलब चेंज हो गई कैपिटल, हो गई कि नहीं हो गई चेंज, ठीक है, और इसकी कैपिटल थी 2 लाख और इसकी कितनी हो गई 1,85,000, तो इसकी भी चेंज हो गई। बट जो फिक्स कैपिटल मेथड हम कर रहे हैं, फिक्स कैपिटल मेथड की क्या रहनी चाहिए, कैपिटल फिक्स, बट खाली दो कंडीशन में चेंज हो सकती है, वो दो कंडीशन कौन सी है, या तो वो एडिशनल कैपिटल डाल दे और या तो भाई कैपिटल निकाल दे, या तो कैपिटल डाल दे या तो कैपिटल निकाल दे, ठीक है। इसमें कितने अकाउंट बनते हैं 2, ये जो चीजें लिख रही है ना ये सैलरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन, ठीक है, ये सब चीजें आएगी करंट अकाउंट में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बनाना चालू करते हैं, सेम वैसी है, ठीक है, ऊपर हम डालेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पूरा लिखेंगे, ठीक है, क्रेडिट डेबिट दोनों के बनाएंगे, ए और बी है, ए का एक कॉलम बी का एक कॉलम, ये पर्टिकुलर्स का ए का कॉलम बी का कॉलम पर्टिकुलर्स, तो यहाँ पे लिखोगे पर्टिकुलर्स ए बी पर्टिकुलर्स ए और बी, ये कैपिटल अकाउंट बना लिया। पर हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, फिक्स मेथड, तो एक और अकाउंट बनेगा कौन सा, पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो पार्टनर करंट अकाउंट बनाओ और बिल्कुल सेम रहेगा ये, ठीक है, इसमें भी जैसे ये बनाया ना वैसे ही बनाएंगे। तो आप क्या करोगे इसमें ए कॉलम बी कॉलम, ए कॉलम और बी कॉलम, ठीक है, पर्टिकुलर्स ए बी पर्टिकुलर्स ए और बी, बट इसमें चेंज क्या आएगा देखो, सबसे पहले जो कैपिटल पड़ी हुई है वो क्या लिखेंगे पार्टनर कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे बाय बैलेंस बी, ठीक है, जितनी भी कैपिटल हमारे पास है यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। और कभी कभी पता है क्या होता है पार्टनर करंट अकाउंट का भी बैलेंस दिया जाता है, ठीक है, जो पार्टनर देखो मैंने क्या बोला जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट है सेम है पार्टनर करंट अकाउंट की तरह, ठीक है, तो पार्टनर करंट अकाउंट का बैलेंस भी क्या होगा क्रेडिट, अगर चीज कोई बढ़ा रही होगी कैपिटल को वो किस साइड आएगी क्रेडिट साइड आएगी, और जो जो चीज घटा रही होगी किस साइड आएगी डेबिट साइड आएगी, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है।
तो सबसे पहले यहाँ पे बैलेंस आया, बोलेगा आपकी कैपिटल का बैलेंस ये है, और बोलेगा आपको जो करंट अकाउंट है ना उसका बैलेंस ये है। तो अगर बैलेंस दिया होगा तो आप क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे। और कभी कभी पता है क्या होता है, ऐसे बोलता है क्रेडिट बैलेंस हुआ तो इस साइड आएगा, और कभी कभी बोलता है पार्टनर करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। तो क्या लिखोगे, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, जो भी आपको केस दिया हो उस हिसाब से आप लिख दोगे दोनों साइड में से।